की प्रतिष्ठा को हिमालय सी ऊंचाई देने में कामयाबी रखने वाले एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी चरित्र की साधना के साथ शास्त्रों का आलोडन करके जन जन तक अपनी साधना का उत्कर्ष प्रकट करते हुए भगवान महावीर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूं इस युग में एक साधक ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ है और झोपड़ी से लेके राजभवन तक, पुलिस से लेके मिलिट्री तक, देश के हर मापदंड को छूते हुए इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो निश्चय ही कोई बचकानापन नहीं है। भारी भरकम अपने एनर्जी का उपयोग करते हुए जैन धर्म की प्रभावना सम्यक दर्शन का गुण है और इन्होंने अपने जीवन में जो पाया है वो निश्चित ही एक ऐतिहासिक क्रम है। और कल इन्होंने अपना सब प्रकार का त्याग करके बौद्धमार्थिक प्रतिक्रमण सुन करके अपने भावों को संभाला है और प्रत्येक साधक को अपनी साधना का जैसे फल मिलना चाहिए वैसा ही तरुण सागर जी ने कामयाबी हासिल कर ली है। मैं चाहता हूँ हर एक साधक ऐसी अपनी कामना रखते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयाँ दे और इन्होंने जैसा अपना जीवन सफल किया है सब कुछ चीज़ों से अंत में विरक्त होते हुए यह इनकी साधना का ही सार्थक चरण है। आप सब भी ऐसी भावना कीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की जय।